आज हम लोग देखने जा रहे हैं, यदि हम बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उससे पहले हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं कि इनवर्स क्या होता है। उससे पहले क्या समझ लेते हैं, इनवर्स क्या होता है। फंक्शन तो पता है ना कि फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली यदि हम इनवर्स के बारे में यदि हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ जानना है। तो सबसे पहला बात तो कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, हम लोग का चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ध्यान में रखना है कि जितना भी हम लोगों के पास क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सबका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता करता है। पहला बात तो ये है कि एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या इनवर्स मतलब हम लोग सबके लिए एग्जिस्ट करवा सकते हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका हम डोमेन और रेंज को क्या कर देते हैं, एक स्पेसिफाई कर देते हैं, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर पाता है, नहीं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता यदि हम बात करते हैं तो। तो जैसे कि सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है, मान लो एक तुम्हारे पास फंक्शन दिया गया है ए टू बी, क्या दिया गया है ए टू बी, और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब क्या है, वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। कौन सा फंक्शन है, वन वन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है यदि हम बात करते हैं तो वन वन और ऑन टू फंक्शन दोनों है। इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों है, क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यदि इस तरह से है तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि एक फंक्शन और एग्जिस्ट करेगा इफ, ये कंडीशन है, इफ देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, अ यूनिक फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जहां पर ए से बी था इसका, ये क्या था मेरा डोमेन और ये क्या था कोडोमेन। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब बी से ए बन जाएगा, और इसको हम एफ कोई दूसरा फंक्शन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग साइन से डिनोट करते हैं। एफ का क्या हो जाएगा, ही इनवर्स हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। देखो इसका डोमेन और कोडोमेन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। सबसे पहला बात तो यहाँ पे इनवर्स का मतलब पावर में माइनस वन मत समझ लेना, जैसे कि हम लोग समझते हैं टू की पावर माइनस वन रहता है तो वन बाय टू है, ये तो ठीक है, लेकिन एफ इनवर्स का मतलब यहाँ पर वन बाय एफ नहीं है, एक अलग फंक्शन है, ये बेसिकली सिंबल है। इनवर्स फंक्शन का क्या है, सिंबल है। इनवर्स फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पावर नहीं है, सबसे पहला ये चीज ध्यान में रखना है, वो सिर्फ क्या है, सिंबल है। मतलब यदि तुमसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स मान लो है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर में माइनस वन, तो उसको तुरंत बोलो नहीं, नहीं लिख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर जो इनवर्स है बेसिकली सिर्फ सिंबल के तौर पे यूज हुआ है, सिर्फ किसके तौर पे यूज हुआ है, सिंबल के तौर पे। मतलब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, मान लो कि मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है, ये ए से बी हम क्या डिफाइन किए हैं, एक फंक्शन डिफाइन किए हैं जो ऊपर हम लोग लिखे थे, ये वाला ए से बी, यहाँ कुछ एलिमेंट मान लेते हैं, मान लो ए, इस तरह से मान लो ए बी सी डी, और यहाँ पे उसका कुछ वैल्यू मिला, P मिला, Q मिला, R मिला और S मिला मान लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ डिफाइन था, यदि बात करते हैं तो A आया तो P, B से Q, C से R, D से S, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं F ऑफ कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो इधर से हमको वैल्यू मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, बी वाला वैल्यू मिल रहा है, कहाँ से वैल्यू मिल रहा है, बी वाला, ई वाला जो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो मेरा बी से बिलोंग करेगा, और यहाँ जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो ए वाला पुट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक्स और वाई यदि हम दो पॉइंट मान लेते हैं, तो एक्स वाई यहाँ पर जो है किसे बिलोंग्स कर रहा है, एफ से, फंक्शन एफ से। तो हम यहाँ पे उल्टा बोल सकते हैं कि यदि हम वाई और एक्स लेंगे, क्या लेंगे, y और x लेंगे, मतलब पहले y लेंगे बाद में x लेंगे, तो वो किसे बिलोंग करेगा,
एफ इनवर्स से बिलोंग करने वाला होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मेरा सेट के थ्रू यदि समझना चाहे तो ई बी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है यदि हम बात करते हैं तो हम लोग के पास था पी था, क्यू था, आर था और एस था। और ए में कौन कौन सा एलिमेंट था, ए बी सी और डी। मतलब पूरी तरह से जो मेरा फंक्शन डिफाइन होगा वो उल्टा डिफाइन हो गया, बी से ए जो डिफाइन होगा उसको हम लोग इनवर्स से डिनोट करेंगे। तो पी रखने पर ए आएगा, क्यू रखने पर बी आएगा, आर रखने पर सी आएगा, एस रखने पर डी आएगा। मतलब यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो जो फंक्शन का डोमेन था, यहाँ पे समझना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। देखो इधर वाला को हम लोग बोलते हैं डोमेन, इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन और रेंज यदि बराबर हो जाता है, कोडोमेन किसके बराबर हो जाता है, रेंज के, इक्वल टू रेंज हो जाता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। इसका मतलब इधर का ये जो होगा वो क्या होगा, कोडोमेन होगा एक तरह से। एक मिनट, इधर का जो कोडोमेन होगा इसको हम लोग क्या बोलना पड़ेगा, हम लोग को इसके लिए बन जाएगा डोमेन, एफ इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा डोमेन, और इसके लिए क्या बन जाएगा कोडोमेन। क्या बनेगा इसके लिए कोडोमेन, और वही रेंज निकाला जाएगा। इसका मतलब उल्टा हो गया एक तरह से, यदि हम गौर करें तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, उल्टा हो गया। देखो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो पहला कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो क्या हो गया, रेंज हो गया एफ इनवर्स का उल्टा, और जो रेंज था फंक्शन का वो क्या बन गया, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बन गया। तो डोमेन और रेंज का मतलब तो पता ही होगा, डोमेन का मतलब है कि एक्स का कौन कौन सा वैल्यू फंक्शन ले सकता है, और रेंज का मतलब क्या होता है, वाई का कौन कौन सा वैल्यू हमको मिल रहा है, वाई का हमको कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे एक चीज और समझो कि यदि ग्राफ के थ्रू हम इसको समझना चाहते हैं, किसके थ्रू समझना चाहते हैं, ग्राफ के थ्रू, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक लाइन है हम लोग के पास जिसको हम बोलते हैं y बराबर x, y बराबर x। तो यदि कोई ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास और उसका यदि हम इमेज ले रहे हैं y बराबर x के अलोंग, उसका यदि हम इमेज ले रहे हैं किसके अलोंग, y बराबर x के अलोंग, तो वो हमको जो मिलेगा वो बेसिकली मिलेगा इनवर्स। क्या मिलेगा हम लोग को, इनवर्स। मतलब कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो y बराबर f ऑफ x है तुम्हारा, और एक तुम्हारा जो दूसरा फंक्शन है f इनवर्स x, ये दोनों मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। किस लाइन के अबाउट, y इक्वल टू x के अबाउट में मिरर इमेज होगा। ठीक है, और जितना भी इनवर्स निकलता है उस तरह का फंक्शन को हम लोग बेसिकली क्या, किस नाम से जानते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन। किस नाम से जानते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल जो फंक्शन होता है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर फंक्शन। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब हम जिस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका इनवर्टिबल एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इनवर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। अब जैसे कि हम लोग को इनवर्स निकालना है यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है,
इन्वर्स निकालने का क्या तरीका हम लोग के पास, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का क्या तरीका है? तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, पहले तुम्हारे पास जो फंक्शन दिया हुआ उसको लिख लो, y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है लिख लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे एक्स एंड वाई को, इंटरचेंज कर देंगे एक्स एंड वाई को। कहने का मतलब है कि हम बेसिकली सॉल्व कर देंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एक फंक्शन दिया हुआ वाई बराबर एक्स प्लस फोर, क्या दिया, वाई बराबर एक्स प्लस फोर, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ से एक्स को एक्सप्रेस करेंगे यदि हम बात करते हैं तो। यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई माइनस फोर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से यदि हम एक्स को निकालेंगे तो। अब जहां जहां तुमको एक्स दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स एक्स से, और जहां जहां वाई दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो एक्स से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस फोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। पहला तो तरीका इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि वाई बराबर एक्स प्लस फोर लिख लो, अब यहाँ से एक्स निकाल लो, जब एक्स निकाल लेंगे तो एक्स को एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दो और वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो तुमको एफ इनवर्स एक्स मिल जाएगा। सेम उसी तरह यदि हम बात करते हैं इस वाला मेथड में, हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई बराबर क्या लिखे हम लोग, एक्स प्लस फोर लिखे, इसमें क्या बोल रहे हैं, इंटरचेंज कर दो एक्स एंड वाई को। तो इंटरचेंज करने का मतलब है यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स बराबर वाई प्लस फोर बन जाएगा। अब यहाँ से वाई निकाल लो तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस फोर। अब इस मेथड में जो वाई है एक तरह से एफ इनवर्स एक्स है तुम्हारा, और एक्स जो है तुम्हारा वो तो एक्स है ही, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस फोर, मतलब जो तुम्हारा फंक्शन है वो उतना ही रहेगा। तो तुमको जिस मेथड से इन्वर्स निकालना है उस मेथड से निकाल लो। तुम क्या बोले इसमें, पहले वाई बराबर एक्स प्लस फोर है तो एक्स निकाल लो यहाँ से, एक्स जैसे निकाल लेंगे एक्स को एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दो और वाई को किसे रिप्लेस कर दो, एक्स से, एफ इनवर्स एक्स निकल जाएगा। या फिर वाई बराबर एफ ऑफ एक्स यदि तुम्हारे पास फंक्शन दिया हो तो पहले इंटरचेंज कर दो दोनों का पोजीशन, वाई को एक्स बना दो एक्स को वाई बना दो, देखो इंटरचेंज कर दिया होंगे। अब उसके बाद यहाँ से देखो कि वाई बराबर क्या आता है, और जो वाई बराबर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, वही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो समझ में आए इनवर्स किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं आया? हाँ, यहाँ पर जो चेंज हो रहा था इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ इंटरचेंज नहीं किए हैं ना, यहाँ पे देखो इंटरचेंज किए इस मेथड में, तो इस मेथड में यदि हम इंटरचेंज कर चुके हैं तो फिर से हम इंटरचेंज करेंगे तो मेरा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे तुमको एफ इनवर्स वाई लिखना पड़ेगा यदि हम बात करते हैं तो, इन फंक्शन हम वाई बराबर एफ ऑफ एक्स का बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ तो हम डायरेक्टली सॉल्व किए हैं ना, तो सॉल्व किए हैं तो इंटरचेंज तो करना पड़ेगा ना, एक जगह इंटरचेंज कहीं तो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम पहले इंटरचेंज कर लिए इस पोजीशन में, देखो इंटरचेंज पहले कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाद में इंटरचेंज कर रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, दोनों में से किसी में से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो, जैसे कि मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है फोर को छोड़कर, उसका जो को डोमेन है मतलब वही रेंज हो जाएगा, को डोमेन और रेंज बराबर होगा तभी उसको वन टू फंक्शन बोलेंगे। और वन वन के लिए क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के देखो, यदि उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वन वन है, और नहीं कट कर रहा है तो वन वन नहीं। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, इसका बोला f इनवर्स निकालना। क्या बोला निकालना है? f इनवर्स। तो हम क्या किया, सबसे पहले f इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन लिख लेते हैं। तो कोड इसका क्या होगा, f इनवर्स यदि है तो पहले इसको लिखेंगे और बाद में इसको लिख देंगे ना, चेंज हो जाएगा दोनों का पोजीशन। तो दोनों का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब एक्चुअली में जो फंक्शन दिया हुआ था उसको हम लिख दिए y बराबर 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x। अब दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, पहला वाला यहाँ पे y की जगह लिख दिए x और x की जगह लिख दिए y। अब यहाँ से देखो यदि हम बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा। तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x माइनस 4y और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2y माइनस 5। तो हमको बेसिकली क्या सॉल्व करना है, y को एक्सप्रेस करना है x के टर्म में। तो हम क्या किए, देखो 4x माइनस 5 को इधर लेके आ गए और इस माइनस 4y को उधर लेके चल गए। क्या बोल रही है, अब एक मिनट, हाँ ये 4y नहीं xy होगा। तो xy उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम उधर भेज दिए ठीक है, और ये जो 5 था उसको इधर ला दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 4x प्लस 5, यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 प्लस x ठीक है। अब 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय हो गया 2 प्लस x बराबर y। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले ही इंटरचेंज कर चुके हैं, यहीं पे पोजीशन क्या किए थे, इंटरचेंज कर चुके हैं ना। तो यदि हम यहीं पे इंटरचेंज कर चुके हैं तो हमको बाद में इंटरचेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, f इनवर्स x बराबर 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x। ये हो गया तुम्हारा इनवर्स फंक्शन जो हमको क्या करना था, निकालना था। और तुम यहाँ से देख भी लो कि माइनस 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि माइनस 2 हो गया x का वैल्यू तो देखो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये चीज हो गया तुम्हारा, इस तरह से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स का मतलब समझ में आ गया, इनवर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ में आ गया। फंक्शन में तो इसका पढ़ाई हो गया होगा ना, पीरियोडिक फंक्शन, फिर क्या बोलते हैं इवन ऑड फंक्शन, नहीं हुआ है, हो गया होगा, सब हो गया होगा। देखो बेसिकली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो पहले देखो तुमको हम बताते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक और फंक्शन क्या होता है, सब नहीं पता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो चलो, सबसे पहला साइन एक्स का फंक्शन का बारे में बात करते हैं तुमको। तो साइन एक्स के बारे में तुमको पता होगा कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, इधर हम लोग के पास रहता है, इधर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो जो ग्राफ है साइन एक्स का इस तरह से, साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, आगे चलते जाएगा। तो तुमको यहाँ पे साफ साफ पता होगा कि ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ग्राफ को एक जगह यहाँ पर एक जगह कट किया
यहाँ पर एक जगह कट गया दो, इधर एक जगह कट गया तीन, चार, बहुत जगह पे कट कर रहा है। आगे यदि हम ग्राफ बनाते जाएंगे तो और आगे जगह पे कट होते चल जाएगा। तो डायरेक्टली साइन एक्स का जो फंक्शन है वो वन वन नहीं है, इसको वन वन बनाया जाता है, एक फिक्स रेंज तक बनाया जाता है। क्या कहते हैं, एक फिक्स रेंज तक बनाया जाता है। तो फिक्स रेंज कहाँ तक है, देखो यहाँ तक लिया जाता है इधर में और यहाँ पर इधर। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का कितना मिलता है इसका, वन। इधर कितना मिलता है, -1। और वन कितना, वन कितना पर होता है यदि हम बात करते हैं तो वो होता है मेरा पाई बाई टू पे। कितना पे होता है, पाई बाई टू पे। और -1 कितना पे होता है, -π/2 पे, -π/2 पे। तो यहाँ पर हम लोग को पूरा ग्राफ बनाने का जरूरत है, क्योंकि पूरा बनाएंगे तो वो 1112 नहीं हो पाएगा, और 1112 नहीं हो पाएगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जितना भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे यहाँ पर, सबको क्या करेंगे, हम लोग बाउंड कर देंगे कि हम लोग पूरा रेंज नहीं ले रहे हैं, कुछ रेंज ले रहे हैं। पूरा रेंज नहीं ले रहे हैं, कुछ रेंज ले रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये तुमको ध्यान में रहना चाहिए कि यदि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब साइन एक्स की पावर में -1 नहीं होता है। इसको हम लोग अलग वैल्यू कंसिडर करते हैं, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हम लोग के पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हम लोग के पास टोटल कितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6। इसका मतलब होता है साइन एक्स का पावर में -1 कहने का मतलब है कि ये लिखा हुआ 1/sin x। क्या है, 1/sin है। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, हम लोग का जो जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो एक है साइन इनवर्स एक्स, एक हम लोग के पास है कॉस इनवर्स एक्स, एक हम लोग के पास है टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स, ये सबके लिए अप्लाई होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि सबके लिए अप्लाई होगा, ठीक है, किसी एक के लिए अप्लाई होने वाला नहीं है। ये जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये सबके लिए है। हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यहाँ साइन चूज किए हैं कि साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स की पावर -1 के बराबर नहीं होता है। जितना लिखा हुआ सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो एक सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि बाउंड कर देते हैं। बाउंड कर देते हैं मतलब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, इसका स्टार्टिंग करते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स समझने के लिए सबसे पहले, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स समझने के लिए यहाँ पे जो हम फंक्शन चूज कर रहे हैं, चलो एफ इनवर्स एक्स हम भी लिख देते हैं ताकि पता चले। एफ इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स को समझने के लिए हमको सबसे पहले साइन एक्स को समझना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा, साइन एक्स को समझना पड़ेगा। और साइन एक्स को अभी तुमको समझाएं कि हम लोग पूरा दूर तक नहीं जाने वाले हैं। साइन एक्स का हम कहाँ तक बात करने वाले हैं फंक्शन का, -π/2 से π/2 तक। और उस केस में मेरा जो वैल्यू मिलता है -π/2 रखने पर -1 मिलता है और π/2 रखने पर 1 मिलता है। तो एफ इनवर्स क्या बनेगा मेरा, यदि हम बात करते हैं तो एफ इनवर्स बन जाएगा मेरा -1 से 1 और -π/2 से π/2 बनेगा या नहीं बनेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पे समझना है, यहां पे हम लोग बना रहे हैं साइन एक्स का पहले ग्राफ, ज्यादा दूर तक नहीं, जहां तक हम लोग बात किए थे। ये हम लोग के पास वाई एक्सिस, इधर हम लोग के पास एक्स एक्सिस। ऊपर वाला जो वैल्यू है 1, नीचे वाला जो वैल्यू है वो
माइनस वन पाई बाई टू पे जो वैल्यू आता है वो कितना आता है हम लोग का, वन आता है। माइनस पाई बाई टू पे कितना जाता है, माइनस वन आ जाता है। यहाँ पे एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अलोंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, वो है मेरा वाई बराबर एक्स। क्योंकि हम लोग को पता था कि जो वाई बराबर एक्स है उसी के अलोंग जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ही इन्वर्स निकलेगा हम लोग, क्या निकलेगा, इन्वर्स निकलेगा। तो बताओ साइन एक्स का जो ग्राफ होता है बेसिकली, यदि हम बात करते हैं तो हम लोग का जो ग्राफ होता है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। तो पहले हम लोग बना लेते हैं साइन इनवर्स, तो ग्राफ इसी तरह आगे जाता जाता ना, आगे बनाएंगे पूरा जो ग्राफ है मेरा, ऐसे करके आगे जाता फिर इधर जाता, तो यहाँ से यहाँ कट करेंगे तो ग्राफ ऐसे ही देखने को मिलेगा ना हम लोग को ऐसे। अब हम लोग के पास है वाई बराबर एक्स लाइन, कौन सा लाइन है, वाई बराबर एक्स। अब वाई बराबर यदि एक्स हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखो वाई बराबर एक्स जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ठीक है, ये जो लाइन हम लोग के पास वाई बराबर एक्स, देखो वाई बराबर एक्स यहाँ पे हम पहले क्यों ड्रॉ किए बेसिकली, तुमको पता होगा वन पे इसका वैल्यू वन मिलता है, वाई बराबर एक्स जो लाइन होता है कितना पे मिलने लग जाता है, वन ही पे मिलने लग जाता है ना, कि नहीं मिलने लग जाता है, मतलब वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पहले होगा एक तरह से। वाई बराबर एक्स यदि लाइन है तो वन पे वन मिल जाएगा और माइनस वन पे क्या मिल जाएगा, माइनस वन। तुमको पता होगा पाई जो होता है उसका नियरली वैल्यू कितना रहता है, 3.14, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 1.57, मतलब पाई बाई टू जो है वो बड़ा है ना, तो वन पे वन मिल जाएगा और माइनस वन पे क्या मिल जाएगा, माइनस वन। इसीलिए इसका जो ग्राफ तुमको दिख रहा होगा ये ऊपर में दिख रहा है, ये जो साइन एक्स है तुम्हारा वाई बराबर साइन एक्स, साइन एक्स के ऊपर में दिख रहा है वाई बराबर एक्स, और इधर में यदि हम बात करते हैं नीचे वाला पार्ट में तो नीचे में दिख रहा है पहले, और साइन एक्स जो है उसके जस्ट ऊपर में दिख रहा है उस तरह, ठीक है। अब हम क्या किए यहाँ पे, अब वाई बराबर एक्स तो ड्रॉ कर चुके हैं, अब हमको इमेज बनाना है इसका, तो तुम बता इसका जो इमेज ऐसे दिख रहा है वाई बराबर साइन एक्स का, इसका यदि हम वाई बराबर एक्स के अलोंग इमेज लेंगे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा हमको, इस तरह का ये वाला पार्ट जो इमेज ऐसे दिख रहा है वो जब हम लोग देखो ऐसे है इसके अलोंग इमेज लेंगे तो ऐसे दिखेगा हमको कुछ इस तरह से, तो वही चीज हमको यहाँ पर दिखा इस तरह, ठीक है। अब जो इधर दिख रहा है ब्लैक वाला को देखना है, जो इधर दिख रहा है उसका जब हम लोग इमेज इधर लेंगे तो ऐसे दिखेगा हम लोगों को कुछ, मतलब डायग्राम में ध्यान देना कुछ इस तरह से दिखेगा हम लोग को कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली यदि हम बात करते हैं किसका ग्राफ हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स का, एफ इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हुआ, साइन इनवर्स एक्स का, समझ में आया किस तरह से बना ग्राफ उसका। तो जो तुमको ग्रीन कलर वाला दिख रहा है बेसिकली
वो है तुम्हारा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इनवर्स का जितना भी ग्राफ है उसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। यदि हम बात करते हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसका भी तुमको ग्राफ बनाना हो। चलिए सबसे पहला काम करो, इधर एक्स एक्सिस है तुम्हारा, इधर वाई एक्सिस है तुम्हारा, जो उसका डोमेन है और जो उसका रेंज है उसको लिख लो पहले, तो ग्राफ बनाने में आसानी होगा। तो इसका जो डोमेन था साइन इनवर्स एक्स का वो क्या था, -1 से 1, ठीक है, और जो उसका रेंज था वो कितना से कितना तक था, -π/2 से। बोलो -π/2 से π/2 तक। अब बस यही ग्राफ हमको बना देना है। 1 होगा तो वैल्यू कितना होगा, एक मिनट हम उल्टा लिख दिए, ऊपर वाला π/2 होगा, नीचे वाला -π/2 होगा। तो 1 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। -1 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/2। तो इसी तरह ग्राफ दिख रहा था ना हम लोग को, नहीं दिख रहा था, इमेज लिए थे हम लोग तो। समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम लोग इसमें यदि बात करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग को कुछ कुछ बात पता होना चाहिए। देखो एक चीज हम लोग बताते हैं यहाँ पे, ये ग्राफ उसका, कोई भी ग्राफ यदि ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिक होता है, कोई भी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिक होता है तो वैसा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। वैसा फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कहने का मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि यदि हम एक्स की जगह माइनस रखेंगे, समझना, एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो है वो हो गया ऑड फंक्शन, क्योंकि हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। या फिर ऑड फंक्शन को एक और तरीका है पहचानने का कि तुम एक्स के जगह रख दो माइनस है, एक्स के जगह क्या रख दो, माइनस एक्स। तो एक्स के जगह पे हम रख दिए माइनस एक्स। यदि एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखने पर ये माइनस साइन के साथ आता है हम लोगों के पास, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो एक्स के जगह पे जब हम माइनस एक्स रखते हैं तो ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के साथ बाहर आता है, तो क्या कहा जाएगा, ऑड फंक्शन कहा जाएगा। देखो ये इन्वर्टिबल होगा, कंफर्म है कि नहीं? अब यहां से एक चीज और समझ लो बेसिकली, कि मान लो तुम पहले हम लोग के पास क्या केस था, पहले साइन एक्स के केस में क्या था हम लोग के पास, कि मान लो हम साइन 30 डिग्री पुट किए, कितना पुट किए, इसका वैल्यू π/6, तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, π/6 पुट करने पे क्या मिल रहा था हमको, 1/2। साइन 30 कितना होता है, 1/2 ही होता है ना। नहीं, इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा, अब इस तरह से उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब क्या है, कि यदि अब हम हाफ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हाफ साइन इनवर्स हाफ पुट करेंगे, तो अब जो वैल्यू हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, π/6। π/6 पुट करने पर हाफ मिल रहा था, अब इसका उल्टा हो जाएगा, हाफ यदि पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स में तो हमको कितना वैल्यू मिल जाएगा, π/6। और ध्यान में ये रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो मेरा रेंज है वो -π/2 से π/2 तक ही है,
तो तुम्हारा आंसर हमेशा इसी के बीच में आना चाहिए, इसके इधर उधर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती किए होंगे। ठीक है, यदि हमसे कोई पूछा साइन इनवर्स माइनस मतलब 1/√2, तो हम आसानी से बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, π/4। यदि हमसे कोई पूछा साइन इनवर्स -√3/2 कितना होगा, तो हम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और उसको उसी तरह से करना पड़ेगा। अब हमको पता है साइन इनवर्स √3/2 कब होता है, sin 60 होता है कितना, √3/2, यहाँ पे हो गया 60, और 60 जो होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, π/3 बोल सकते हैं, तो -π/3 हो गया। साइन इनवर्स यदि हमसे कोई पूछता है 1 कितना होगा, तुरंत आसानी से बोल सकते हैं कितना होगा, π/2। साइन इनवर्स -1 कितना होगा, -π/2। मतलब हमको साइन इनवर्स में जो वैल्यू मिलेगा वो एंगल मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, एंगल मिलने वाला है। समझ में आया, साइन में हो रहा था, साइन के केस में क्या हो रहा था कि जब हम एंगल पुट कर रहे थे तो हमको वैल्यू मिल रहा था, इनवर्स में क्या होगा कि हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको बाहर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। समझ में आया, तो ये चीज ध्यान में रखें। यदि तुमसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 एक ऐसा एंगल है जो -π/2 से π/2 के बीच में है, एक ऐसा एंगल है जो -π/2 से π/2 के बीच में है, और जिसका साइन क्या है, 1/√2, जिसका साइन क्या है, 1/√2, इसका जो वैल्यू उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यही ना लिखेंगे sin π/4 = 1/√2। समझ में आया, तो ये है हम लोग का इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स में पहला जो फंक्शन था वो था टेन वाला। ठीक, अरे मतलब पहला जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स, उसके बारे में कोई दिक्कत यहां तक, चलो इसके बाद हम लोग कॉस इनवर्स एक्स वाला अगला दिन देखेंगे, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है, इसको आराम से अच्छे से रिवाइज कर लेना कि इनवर्स क्या होता है, किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इवन और ऑड और पीरियोडिक फंक्शन यदि नहीं देखी होगी तो उसको भी एक बार देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, वैसे उतना वैसे उतना ज़्यादा यूज नहीं है फिर भी देख लेना, ठीक है, अगला क्लास में फिर मिलते हैं, तो हाँ होगा।